यह है रणकपुर जैन मंदिर, और इसका इतिहास है कि ये 600 वर्ष पूर्व 446 में इसका निर्माण चालू हुआ था। कम से कम इसे 50 वर्ष इसी को कार्य ख़त्म होने में लगी थी। कहा जाता है कि उस समय के निर्माण के करीब 99 लाख रुपए का खर्चा आया था, और तब इसका पूरा निर्माण हुआ था। तो मैं आपको अभी मंदिर की तरफ ले जाऊंगा, और यहाँ पर है आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो कि चारों तरफ से आपको दिखेंगी, और इसके जो खम्भे बताए जाते हैं वो 1444 हैं। तो हम अंदर जाके देखेंगे, यहाँ पर कल्प वृक्ष का भी काफ़ी अच्छा पेड़ का जो डिज़ाइन बनाया गया है वो ऊपर की तरफ है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो आप देखेंगे आगे जाकर, और बहुत अच्छा अंदर की तरफ मंदिर का नज़ारा मिलेगा आपको। और आप बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ मंदिर के अंदर की तरफ की, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो साथियों, मैं आया हूँ रनकपुर में, और रनकपुर में मैं लेके आया हूँ एक नई सीरीज़ जहाँ पर हैं जैन के काफ़ी मंदिर। तो जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है आदिनाथ का मंदिर, और उसके बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो आप देखिए, ये है रनकपुर का मंदिर, और मैं सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, और मैं अभी जाऊँगा मैं इसकी तरफ, और मैं आपको सारी चीज़ें कवर स्टोरी कवर करूँगा पूरी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और मैं अंदर आके पूरी वीडियोग्राफिंग करूँगा। और हालांकि आप आने वाले हैं तो वीडियोग्राफिंग का यहाँ पर अलग से चार्जेज है। मैं आप अभी अंदर चलता हूँ, अंदर की तरफ हम देखते हैं ऐसा क्या है कुछ का। तो मेरे साथ बने रहिए आप, देखते हैं अंदर में, चलते हैं फिर हम अंदर। तो साथियों, मैं अंदर घुसने से पहले आपको मंदिर के चारों तरफ ले जाता हूँ, और मैं आपको यहाँ की रोचक जो तथ्य हैं वो उसको मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, ये रनकपुर का जैन टेम्पल है जो कि राजस्थान में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रनकपुर के ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। यह मंदिर जैन धर्म के 5 प्रमुख स्थलों में से एक है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। रनकपुर झीलों की खूबसूरत नगरी उदयपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह एक जैन व्यापारी सेठ धरना शाह और मेवाड़ के शासक राणा कुम्मा द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के मुख्य परिसर चमुखा में कई अन्य जैन मंदिर शामिल हैं। मैं आपको मंदिर के चारों तरफ ले जाता हूँ और मैं इसकी भव्यता दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैं घाटियों के बीच गुजरता हुआ, काफ़ी यहाँ पर अरावली पर्वतमालाएँ फैली हुई है, लेकिन आप यहाँ आने वाले हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आपको किसी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ATM की सुविधा नहीं है। तो आप रुपये ज़रूर कैरी करके लाएँ अपने साथ में, कि आप सोचें कि वहाँ पर ATM मिल जाएगा तो वहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शौक लगा कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल और यहाँ पर ऐसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, और एक सिटी से ही मान लीजिए वहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको ATM की सुविधा आपको वहीं पर मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्था हैं, चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो साथी, मंदिर की मैं चारों तरफ चलता हुआ, और आप यहाँ आओगे तो मैं आपसे बस ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ये बाकी देखने लायक है। जो इस मंदिर का निर्माण किया गया है, मैं भी आपको अंदर ले जाऊँगा। अंदर इसका जो नज़ारा है इतना भव्य बना हुआ है, कढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, हर गुम्बदों में, हर आपको पिलर में बहुत ही अच्छी तरह कढ़ाई मिलेगी, और इतना ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर आके अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वाकई ही बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, और इसके चारों ओर जो पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ें, देखने लायक हैं वो। तो फिर तो हम मंदिर की चारों तरफ यात्रा कर रहे हैं, और मैं आपको इसके से जुड़ी एक एक कहानी पूरी, जो मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, वो आपको
पूरी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं अभी चारों तरफ मंदिर घुमा देता हूँ, चारों तरफ हम चल रहे हैं। तो देखो, सबसे बड़ी जिसकी जो खासियत है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके चारों तरफ आपको गेट मिलेंगे। चारों तरफ आप इस मंदिर में चारों तरफ से आप जा सकते हैं, चारों दिशाओं से। और इसकी जो खूबसूरती देखने लायक बनती है, जब आप पर्वत मालाओं को इसकी चारों तरफ से देखेंगे, कितनी घाटियाँ हैं यहाँ पर, हरा भरा जंगल, और बाकी आप जंगल सफारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं अकेला था तो मैं जंगल सफारी नहीं की, वो एक ग्रुप के साथ जंगल सफारी कराते हैं। तो बाकी मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। बाकी हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखना चाहते हैं और बड़े बड़े जगहों पर हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप, मेरी आपसे यही विनती है आपसे, मैं आप कहीं घूमना चाहते हैं, एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं, और वाकई आप एक अच्छे मंदिर और जिसकी खूबसूरती लुभाने लायक आप यहाँ आएँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये कहोगे कि वाकई आपने बहुत अच्छा हमें बताया कि ये मंदिर वाकई देखने लायक है, जीवन में एक बार ज़रूर आएँ इस मंदिर पर। और मेरा ये सौभाग्य कि मैं इस मंदिर पे आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसकी दीवारें कितनी भव्य दीवारें हैं, चारों तरफ गुम्बद बने हुए हैं, और जो कि बड़ा, आपको बता दूँ कि ये 600 साल पुराना मंदिर है, और कम से कम इसको बनाने में आपके 50 से 60 साल पूरे लगे थे मंदिर को बनाने में। और ये आदिनाथ जैन जी को, आदिनाथ जो जैन की जो भगवान माने जाते हैं, उनको समर्पित है। आप आदिनाथ की जो इसमें प्रतिमा लगाई है, वो आप चारों गेटों से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और जो जिसमें जो पिलर लगे हुए हैं, 1444 पिलर लगे हुए हैं इसमें, तो वो पिलर सारे आपको जो आदिनाथ जी जो प्रतिमा है वो देखने में कहीं ना कहीं बाधा नहीं बनेंगे आपको। आप हर किसी एंगल से आप देख सकते हैं, लेकिन वो पिलर हैं वो आपके सामने कहीं पर भी नहीं आएंगे, उनको देखने में कोई बाधा नहीं बनेंगे रास्ते में। तो इस तरीक़ा से इसका डिज़ाइन किया गया है। तो हम अभी मंदिर की अंदर चलते हैं, और जब मैं पूरी स्टोरी कवर करता हूँ तो मिलते हैं अंदर में, और क्या क्या है चीज़ें सारे हम देखते हैं। और मैं मंदिर की अंदर जाता हुआ, यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज मिलेंगे, सिक्योरिटी के कुछ गार्ड हैं, तो वो आपको पूरा तरह से चेक करेंगे और तब आप अंदर जा पाओगे। तो यहाँ पर मेरा, उन्होंने बैग चेक किया, उसमें पानी आप अंदर कैरी नहीं कर सकते, तो पानी की बोतल यहीं पर उन्होंने रखवा ली थी। और पानी की बोतल रखवाने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा, मेरा टिकट चेक किया, आप मोबाइल ले जा रहे तो उसका आपके पास टिकट है कि नहीं, वीडियोग्राफी करने के लिए आपकी परमिशन है कि नहीं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं इस मंदिर का जो किस तरीक़े का नज़ारा होगा, आप देखिए दीवारों किस प्रकार की, इसकी जो कढ़ाई है वो वाकई देखने लायक है। और यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर आपको मिलेंगे, तो वाकई वो जैसे ही फॉरेनर आते हैं तो उनको ऑडियो क्लिप दे देते हैं, ऑडियो का कुछ एक मोबाइल है और वो कान पर लगा लेते हैं, तो वो पूरी स्टोरी बताती है, वो ऑडियो में चलती है। तो वो यहाँ पर आपको फॉरनर मिलेंगे तो कान में एक ऑडियो आपका एक हैंडसेट सा मिलेगा जो कि ईयरफोन टाइप का, और वो सुनते जाते हैं। और यहाँ पर गार्ड की सुविधा भी है, लेकिन गार्ड आप कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी मिलेंगे आपको, तो वो गाइड कराएंगे आपको, और वे आप जैसे चाहें वैसे, आप इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे बोलते हैं वो छोटे छोटे बच्चे, और वो उन्हीं के ही जो मंदिर है उन्हीं की परिवार से ही, जो उनका ट्रस्ट है उन्हीं के परिवार से आते हैं। और मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ, आपको देखो किस प्रकार की इस यहाँ पर कढ़ाई की गई है, या पिलर देखिए, पूरे जितने भी पिलर मिलेंगे आपको, जितने भी इसके वो हैं, सारी चीज़ों पे आपको बड़ी सुंदरता और बहुत कला का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जब भी आओगे तो आप पिलर, कुछ पिलर ऐसे हैं जो कि सीधे खड़े होंगे, कुछ ऐसे पिलर हैं जो झुके हुए हैं, तो इसका जो पीछे का जो रहस्य है वो मैंने जानने की कोशिश की। तो एक जो बच्चा मिला मेरे, तो उसने मुझसे बात की, तो बोला
पहले क्या है कि पहले लोग ऐसा मानते थे, अब आज जैसे मानते हैं ऐसे पहले भी मानते थे कि आप ये मंदिर जिस तरीक़ा से बनवाया गया था तो उनको कुछ ऐसा डर था कि इतना खूबसूरत हम मंदिर बना रहे हैं तो किसी की नज़र नहीं लग जाए, तो उन्होंने कुछ खामियां छोड़ी इस मंदिर में, कुछ ऐसे पिलर थे वो सीधे नहीं और टेढ़े बनाए, तो उसमें कुछ ऐसी कमी भी सी उन्होंने रखी ताकि किसी को नज़र ना लग जाए, तो इसका ये फैक्ट रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने पिलर बने हुए हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं, देखो कितने बढ़िया कलाकारी के ये ऊपर का जो हिस्सा है वो, बाकी मैं देखता ही रह गया था। और आपको मैं ऊपर का भी काफ़ी मैं दिखाने वाला हूँ, और जैसे कि यहाँ पर हर जगह आप जाओगे तो सबकी प्रतिमाएं मिलेंगी, जैन के जितने भी गुरु या फिर जितने भी भगवान रहे हैं। तो देखो जिस प्रकार से मैं ये आपकी जालियों में जितने भी, देखो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ तो आप देखना आपका ये आपके सारे जो भी हैं, देखो आप देखो श्री महावीर स्वामी, मुकुंद स्वामी, और ये आपको काफ़ी ये हर जगह आपको इस प्रकार के सार से आपको डोर मिलेंगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें। और इस मंदिर में आपको अंदर की तरफ हाथियों का बहुत प्रतिमाएं हैं, इसमें हाथियों की बहुत प्रतिमाएं मिलेंगी। देखो आप किस प्रकार से ये सारे मार्बल के बने हुए हैं, और जहाँ पर आदिनाथ की सवारी है ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। हाथियों के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, तो मैंने वहाँ पर पढ़ने की कोशिश की तो मेरे संस्कृत में था तो वो मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने आके जाके एक व्यक्ति से मैंने बात की तो मेरे को थोड़ा उसने बताया था, लेकिन उनको भी सही तरीक़ा से मालूम नहीं था। आप देखिए इस प्रकार के कितने कवरे हैं, सारों में प्रतिमाएं हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और आप देखते रहिए, बस मैं पूरा मंदिर घुमा रहा हूँ आपको, अंदर की तरफ का पूरा पोर्शन है ये। पूरा मार्बल का बना हुआ है ये, और आपको हर जगह कुछ न कुछ ऐसी कढ़ाई मिलेगी जो कि आपको देखने में मजबूर कर देगी, आपकी जो आइज कैचिंग हो जाएंगी आपकी, उसको देखना आप आंखें नहीं थकेंगी आपकी। तो मैं तो यहाँ पर गया तो मुझे काफ़ी समय बिताया और एकदम ऐसी मन को शांति मिली, बहुत ही शांत प्रिय जगह है, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है, आप यहाँ पर जितना चाहें समय बिता सकते हैं, सारी चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर कैंटीन मिल जाएगी खाने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये जैन है तो जैनों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पर, और लोग यहाँ आते जाते हैं, विदेशी सैलानी बहुत मिलेंगे आपको, हर समय मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत मिलेगी आपको। ये देखिए आपका, तो मैं ऊपर का दिखाता हूँ, देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर का, आप देख सकते हैं एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक कांच का बना हुआ है, लेकिन बाकी जो मार्बल का जो इस्तेमाल और मार्बल में जो कढ़ाई बनाई गई है वो देखने लायक है। और आप देखिए ये पूरा, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ अंदर से। The singles is moving to each other and every place. Oh, is that the snake? Is that the Yeah, snake? that's the That's snake. you said that the snake protected That's you. the protector.
But I'm wonder too, watching this handicraft thing, which is how much they use all the things. It's mesmerizing. सर सीढ़ियों के लिए है जो इट्स फॉर स्टेयर एंड ऑल्सो द स्टोरीज अबाउट इट ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक ये जा रहा है और ये सारा एक ही कनेक्ट हुआ हुआ है सारी जगह यही घूमता है दैट्स कॉल्ड स्नेक और ये एक दूसरे से पूरा कनेक्ट हुआ है इसका एक छोर है और ये पता लगाना बहुत ही इसमें एकदम बहुत ही कठिन काम हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना कला का इसमें प्रयोग किया गया है चारों तरफ। संस्कृत या हिंदी आल्सो ट्रांसलेट इन द साइड ऑफ बोतल दो ना क्या क्या
Did he understand properly? Excellent. He's a very intelligent person. Yes, yes, yes. This is one of those monks and very intelligent person. And he's also I'm very surprised also after knowing things of facts. Yeah. This is a really traditional thing. Yeah, very lovely. And if you are getting from the child or from the person who is now growing up, he will elaborate very differently. Yeah. If you talk about the tourist guide. Yeah. He, you know, he read everything, then go for the elaborate the things about yeah, it. Yeah, yeah. That's the same thing I'm doing here. Where are you from? What are you doing? I'm just exploring the city. This city is very oldest city in the world. For how long are you staying here? Just a 2 months completed. That's very long time. And where are you from? Germany. And you? I'm from India. And where are you from? I'm from Agra. Oh, okay. That's nice. So, this is your first trip in Udaipur, in Rajasthan, in India. Mm-hmm. So, you stay in Udaipur? No. Go to Jodhpur. Jodhpur. Yeah. Did you visit Udaipur? Yeah. You all visit Udaipur? Yeah. There are lots of things to watch in Udaipur. No, don't need to miss out. They're like a city palace. If you miss it out, that we missed it already. Oh, really? City palace. Yeah, that we saw. That's yours. Yeah. And there's a lakes also. And Jag Mandir. That we saw. That is the most beautiful. It's very lovely. You know, there is a Taj Lake Palace in the middle of the lake, the Pichola Lake, which is one of the phenomenal, and there is a lot of restaurant in that place, which is like you will feel there like Italy of the Venice city. A little bit, yes. Excuse me, it was a pleasure talking to you. All the best. Yeah. Don't get a cold. I'm just tearing my clothes. Okay. I'll see. Thank you, sir. ओम जी ने मेहमान है ये लड़की टीचर इनके पिताजी एक बार